सबसे पहले तो चैलेंज है जी ये देखना कि हम प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है, ये डायग्नोज करना कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। इट इज नॉट दैट सिंपल जितना सोचा जाता है। फॉर द लेटेस्ट अपडेट प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मुस्ता मलिक है और मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट पिछले 18 साल से लाहौर में इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स न्यू ब्रांच जोहर टाउन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, वो प्रेगनेंसी में केयर से मुतल्लिक है। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मेरी वीडियो से ज़्यादा हेल्प मिले। प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी में टोटल 40 वीक्स होते हैं। फर्स्ट 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 13-26 वीक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड देन टिल एंड ऑफ द प्रेगनेंसी 40 वीक्स थर्ड ट्राइमेस्टर। क्योंकि हमारे यहाँ मरीजों में महीनों की ज़ुबान में बात ज़्यादा होती है तो इसको सादा बनाने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, पहले 3 महीने पहला ट्रेमेस्टर, दूसरे दरमियान के 3 महीने सेकेंड ट्रेमेस्टर एंड लास्ट 3 महीने लास्ट ट्रेमेस्टर। आज मैं फर्स्ट ट्रेमेस्टर से रिलेटेड आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो चैलेंज है जी ये देखना कि हम प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है, ये डायग्नोज करना कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। इट इज़ नॉट दैट सिंपल जितना सोचा जाता है। रेगुलर पीरियड्स के साथ जो पेशेंट्स हैं वो पीरियड्स मिस होने पे टेस्ट करती हैं और अक्सर इसका नतीजा ठीक आता है, पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट होने पे भी ब्लीडिंग होती है जिसको मरीज पीरियड समझ लेते हैं और फिर वो टेस्ट नहीं करते और एक्चुअली प्रेगनेंसी होती है। इसी तरह वो पेशेंट की इरेगुलर पीरियड्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमें एज अ रूटीन पीरियड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वो वैसे टेस्ट नहीं करते। इसी तरह एक गलती जो पेशेंट्स करते हैं वो वक्त से बहुत पहले टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट नेगेटिव आता है और वो सोचते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं है, लिहाजा इस तरह पे प्रॉब्लम्स आती हैं। पॉइंट ये है कि इस चीज़ के लिए अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कीजिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी रूल आउट हो, पता चले सही तरह से कि प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी नहीं है। दूसरा ये कि फौरन अल्ट्रासाउंड पे जंप ना कीजिए क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे कभी कुछ नहीं भी नजर आ सकता और एक इनकंक्लूसिव सी अल्ट्रासाउंड होगी और आप कंफ्यूज रहेंगे, मैं प्रेग्नेंट हूँ नहीं हूँ, मुझे मिसकैरेज तो नहीं हो रहा, मेरी प्रेगनेंसी तो वीक नहीं है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए थोड़ा सा ठहरिए और अपनी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के बाद 2 हफ्ते के बाद स्कैन कराइए। सिमिलरली फॉलिक एसिड आपने फौरन शुरू कर देनी है 400 माइक्रोग्राम डेली। इसके लिए बेशक आप किसी डॉक्टर से ना पूछें, ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, ये बच्चे में दिमागी मसाइल होने से जैसे जिनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं उनसे बहुत अवॉइड करने में हेल्प करती है। अपनी डाइट का बहुत ख्याल कीजिए, हेल्दी डाइट लें, होम मेड डाइट लें, फ्रेश डाइट लें, हाइजेनिक फूड खाइए, बाजारी खाने, अनहाइजेनिक खाने, प्रोसेस्ड खाने, फिजी ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनको अवॉइड कीजिए। अल्कोहल और स्मोकिंग को तो बिल्कुल क्रॉस लगाइए और बाकी को जितना आप अवॉइड कर सकती हैं दैट्स गुड फॉर यू एंड योर बेबी। क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग से बच्चों में कुछ ऐसे नकायस बन सकते हैं, एबनॉर्मैलिटीज बन सकती हैं जो कि बहुत बुरी होती हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी और आपकी हेल्थ के लिए कतई ठीक नहीं है। स्लीप पैटर्न भी बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करूँगी मैं, आजकल सारी रात जागना, सारी रात सोने के, सारा दिन सोना का रवाज है, नॉट गुड एट ऑल। अब आप माँ बनने जा रही हैं, कुर्बानियाँ शुरू हैं जी, जिसमें सबसे पहली कुर्बानी जो कि एक्चुअली आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, सारी रात एक स्ट्रेच में एक गो में अच्छी स्लीप लें, दिन को जागें, अपने काम करें, इसका आपकी सेहत पे भी इफेक्ट है, आपके बच्चे के भी और उसके साइकोलॉजिकल ग्रोथ पे भी इसका इफेक्ट होगा। प्रेगनेंसी इज नॉट ए डिजीज, इसमें आपको बिस्तर पर पड़ने की जरूरत नहीं है, अपने डेली के काम कीजिए, घर के काम करती हैं उनको कंटिन्यू कीजिए, जॉब करती हैं वो कंटिन्यू कीजिए, एक्सरसाइज प्लीज ज़रूर कीजिए, आप वॉक कर सकती हैं, आप स्विमिंग कर सकती हैं, आप योगा कर सकती हैं, आप साइकिलिंग कर सकती हैं, बस वो एक्सरसाइज जिसमें जंप्स हैं, जिसमें बहुत हैवी लिफ्टिंग है, जिसमें स्लिप होने का खतरा है, ऐसे कामों को आपने अवॉइड करना है, अदर देन दैट अपनी लाइफ रूटीन को कंटिन्यू कीजिए। डॉक्टर के कहने पे जो दवाइयाँ बताई जाती हैं उसमें अपनी साइंस मत लड़ाइए, प्लीज़ वो दवाइयाँ लीजिए, बुजुर्गों के कहने पे, सहेलियों के कहने पे, गूगल के बताने पे
या अपनी कुछ मिथ्स की बेसिस पे उन पे मॉडिफिकेशंस मत कीजिए। नौजिया वॉमिटिंग है तो डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं वो लें, वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। कोई और बीमारी है डॉक्टर के कहने पे दवाइयाँ लें, ये सोच के कि ये दवाइयाँ मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इस सिर्फ सोच की बुनियाद पे उनको लेने या छोड़ने का कोई गुंजाइश नहीं है जी। प्रेगनेंसी को नॉर्मल तरीके से लें, इसमें नॉर्मल एक्टिविटी को कंटिन्यू कीजिए, डॉक्टर को परसू कीजिए, उससे पूरे पूरे सवाल जवाब कीजिए। बट ऑन द अदर हैंड इस पर बहुत ज़्यादा फंसी फिरीकी भी ना हो कि वहम की हद तक आप प्रेगनेंसी को इंजॉय करने के लिए बजाय उसको अपने लिए एक टेंशन और एक डिप्रेशन बनाएं। इसको अपने लिए एक चेरिशेबल और एक मेमोरेबल वक्त बनाएं ताकि आप सारी ज़िंदगी इसको इंजॉय कर सकें। खुदा ना खास्ता अगर आप उन पेशेंट में से हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था या प्रेगनेंसी में है, आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, आपको पहले मिसकैरेजेस होती रही हैं, या आपकी प्रेगनेंसी में आपकी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है, या आपको कोई और मेडिकल डिसऑर्डर है, उस केस में आपके विजिट्स डॉक्टर के साथ ज़्यादा हो सकते हैं। और आपको क्या प्रॉब्लम है उस सूरत में शायद एक कंबाइंड अप्रोच आपकी गायनोकोलॉजिस्ट को यूज़ करनी पड़े, उसको फॉर एग्जाम्पल फिजिशियन को इन्वॉल्व करना पड़े या उसको न्यूरोलॉजिस्ट को, डिपेंडिंग अपॉन इफ यू हैव डायबिटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना पड़े, उसको प्लीज परसू कीजिए। और वंस अगेन अपनी प्रेगनेंसी को इन्जॉय करें, चेरिश करें, इसको एक नॉर्मल फिनोमेना लीजिए। अल्लाह मियाँ आपकी प्रेगनेंसी को खैरियत से अंजाम तक पहुँचाए और मुझे दुआ में याद रखें। नेक्स्ट सेशन जिसमें मैं सेकेंड ट्रेमेस्टर को एड्रेस करूँगी उस सेशन तक मुझे इजाज़त दीजिए। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।